अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल टी, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी है, गिरदोबार भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही, तो इसकी वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा बुखार, ज़ुकाम और गले ख़राब है। मेरा अपना भी गला ख़राब है, तो ये टी जो है मैं रोज़ाना रात को बनाती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा घर वालों के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप भी अपने घर में बनाएं। ये 2 कप मैंने पानी लिया हुआ है, इसमें अब मैं चीनी डालूंगी। आप हसबे ज़ायक़ा कहीं ना, आप कितना शुगर लेना पसंद करते हैं तो आप उतना उस हिसाब से लें। तो ये चम्मच क्योंकि छोटा है, तो मैं इसमें तकरीबन ये 3 चम्मच जो है वो चीनी डाल रही हूँ। ये ब्लैक टी है, ये बहुत गर्म होती है और ये स्पेशल जो आपका चेस्ट इन्फेक्शन, ज़ुकाम, इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी डाल दिया। अब इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच ये काली पत्ती जो होती है, चाय की पत्ती, वो डाल रही हूँ। अब हम ऊपर जो है इसके ढकना रख देंगे, इसको हम पहले उबालते हैं। पानी जो है वो गर्म हो चुका है, लेकिन अब हम इसमें बाकी यानी को अभी उबालना नहीं है, हम इसमें ये चीज़ें डाल देते हैं। ये हम दो पीस हमने दार चीनी के डाल दिए, और ये तकरीबन ये अदरक के 1 इंच का पीस था अदरक का, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, तो इसमें हमने ये भी डाल दिया है। इसमें हम इलायची का पाउडर भी डालेंगे, लेकिन वो हम बाद में डालेंगे। तो अभी हम इसमें ढकना रख देते हैं, जब तक इसमें उबाल आएगा तो साथ में हर चीज़ जो है ये सारी इसमें अच्छी तरह से पक जाएगी। इसमें यानी इसका जायका जो है, इसके जो भी वो सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये आप घर में बनाएं, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है खांसी के लिए, ज़ुकाम के लिए, तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। ये देखें, चाय में जोश आ चुका है। अब हम इसमें लास्ट जो चीज़ डालेंगे, ये तकरीबन हम 1 चुटकी जो है इसमें इलायची का पाउडर, आप चाहे तो आप वैसे भी 2 अदद इलायची इसमें डाल दें। मेरे पास क्योंकि इलायची का पाउडर मौजूद है, तो मैंने कहा चलो ये इलायची का पाउडर, या बिल्कुल लास्ट में डालें। तो रोज़ाना रात को सोने से पहले यानी खाना खाने के बाद आप इस टी को बनाएं, तो इंशाल्लाह अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। अभी हम सिर्फ उसको थोड़ा सा ऐसे पकाएंगे और उसके बाद गैस जो है वो बंद कर देंगे। देखो हमारी चाय जो है वो बिल्कुल तैयार है, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में बन जाती है। अब हम आपको ये कप में भी दिखाते हैं।